बात कर रहे हैं रेणुका शुगर की। आज के दिन की बात करें तो 2% के ऊपर की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली। 44 के लेवल तक का जंप, उसके बाद देख सकते हैं स्टॉक पर किस तरह से सेलिंग प्रेशर बनता नज़र आ रहा है। मार्केट में भी सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला। हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि स्टॉक 40 का जो सपोर्ट है ब्रेक डाउन कर सकता है, फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा जहां से इससे पहले सपोर्ट लिया था 38 का लेवल ऑलमोस्ट मेजर सपोर्ट रहेगा, यहां तक की गिरावट दिखा सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किए थे। और देख सकते हैं स्टॉक में सेलिंग प्रेशर ही नज़र आ रहा है, गिरावट ही नज़र आ रही है। तो 30 का लेवल जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करने वाला है, लेकिन 30 के आसपास भी एकदम से एंट्री नहीं लेनी है क्योंकि सेलिंग प्रेशर है, मार्केट भी गिरावट दिखा रहा है। बड़ी सेलिंग बड़ी गिरावट आज के दिन भी मार्केट में नोटिस की गई है। तो अगर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है तो वैसी कंडीशन में 34 तक का फॉल स्टॉक दिखा सकता है, फिर 34 नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा। अब अगर इसमें जंप आता है, बाउंस बैक करता है स्टॉक, तो इमीडिएट टारगेट है 42, ब्रेकआउट के बाद अगला टारगेट 44, ये जो इसका हाई है जहाँ से रिजेक्शन लिया है। जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता रेणुका शुगर, तब तक अपसाइड में अच्छा मोमेंटम और अच्छी रिकवरी बड़ा अपसाइड नज़र आना मुश्किल है। तो 44 के लेवल पर नज़र रखना है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करके एटलीस्ट क्लोजिंग भी दे गया तो फिर 48 से लेके 50 तक का जंप दिखा सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।